आश्चर्य है, ये तो चमत्कार है। बिंदिया, राणा जी से कहना मुझे उनकी भेंट बहुत अच्छी लगी। अब मैं भी उन्हें एक भेंट देना चाहती हूँ। मैं उनकी आंखों का कांटा बनी हूँ, तो अब उन्हें इस कांटे की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। विक्रमादित्य कोई और योजना बनाते, उससे पहले ही मीरा अपने गिरधर के साथ चित्तौड़ से मेड़ता चली गई। चंपा भी उनके साथ थी, पर विधि के विधान में तो कुछ और ही लिखा था। चित्तौड़ पर बहादुर शाह का आक्रमण हुआ, तो मेड़ता पर जोधपुर के मालदेव का। इन सब के कारण मीराबाई के परिवार को पुष्कर जाना पड़ा। वहाँ कुछ दिन रहने के पश्चात मीरा को आगे का मार्ग भी समझ आ गया। वो मार्ग क्या था गजानन? तो जाना पहचाना दृश्य है। जब मैं अपने पिछले जन्म में माधवी रूप में अपने गिरधर गोपाल की दर्शन की इच्छा में थी, रानीसा अब कब से यहीं खड़ी हैं? बताइए ना रानीसा, सब ठीक तो है ना? मुझे यहाँ से जाना होगा। कहाँ? अपने प्रभु की नगरी, उनके धाम वृंदावन। मुझे उनका आभास हुआ। वृंदावन में गोपियों के बीच मैंने खुद को देखा। मेरे प्रभु मुझसे वहीं मिलने वाले थे। मुझे वहां जाना चाहिए। शायद मेरे प्रभु मुझे वहीं लेने आए।
मुझे वहां जाना चाहिए, शायद मेरे प्रभु मुझे वहीं लेने आए। तो मैं सारी तैयारियां अभी कर देता हूँ। हम अभी जाकर अपने घर पर बता कर आते हैं। हाँ, हाँ, चलो। नहीं चमेली, केशव, शंकर, तुम सब यहीं रुको, मैं वृंदावन अकेली जाऊंगी। हम आपको अकेले कैसे जाने दे सकते हैं? हाँ, हाँ, केशव हम सबके मन की बात बोल रहा है। हम तो सदा आपकी सेवा में रहेंगे। नहीं, यहाँ से पांव भार रखते ही मैं रानी नहीं रहूंगी, मैं अपने प्रभु गिरधर गोपाल को ढूंढने एक जोगन बनकर जाऊंगी। चंपा, तुम ही समझाओ इन सबको। नहीं रानी साहब, समझना आपको है। आप जोगन रहें या रानी, हम तो सदा आपकी सेवक सेविकाएं ही रहेंगे। और हमारे जीवन का उद्देश्य केवल आपकी सेवा करना ही है, और हम वही करेंगे। ये हक हमसे मत छीनिए, और हमें भी अपने प्रभु गिरधर की नगरी वृंदावन ले चलिए। वृंदावन में आते ही मीरा बाईसा ऐसे दौड़कर कहाँ चली गई? अपने गिरधर गोपाल को ढूंढने। मेरे और निकट आ चुकी हो। अब तुम मेरे और निकट आ चुकी हो। मीरा अपने गिरधर को ढूंढते वृंदावन की गलियों में घूम रही थी, तो उन्हें पता चला एक महान संत श्री जीव गोस्वामी भी उस समय वृंदावन में ही हैं,
मीरा को उनसे मिलने की इच्छा हुई और वो उनके दर्शन के लिए उनके पास जा पहुंची। महान संत है जीव गोस्वामी जी, बड़ी ख्याति सुनी थी उनकी, आज उनके दर्शन भी मिलेंगे। गौड़ीय वैष्णव पंथ के संस्थापक है गोस्वामी जी, मुझे पूरा विश्वास है उनके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा तो मेरे गिरधर गोपाल से भेंट करने का एक और द्वार खुलेगा। ये आप कैसा अनर्थ करने जा रही थी? गोस्वामी जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए किसी भी स्त्री को आश्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं है। ठीक है, मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ, किंतु आप मेरा ये संदेश उन तक पहुँचा तो सकते हैं कि जब तक वो मुझे स्वयं दर्शन देने नहीं आएंगे, मीरा यहाँ से नहीं जाएगी। आप बस उनसे इतना कह दीजिए कि गिरधर गोपाल की महान भक्त मीरा बाईसा चित्तौड़ से आई हैं। उनका उत्तर मुझे पहले से ही पता है, किंतु आप लोग आए हैं तो मैं एक बार उनसे बात करके आता हूँ। गोस्वामी जी ने साफ कह दिया, वो आपसे नहीं मिलना चाहते। ब्रह्मचारी जीवन का पालन करने वाले पुरुष होने के नाते वो किसी भी स्त्री से भेंट नहीं कर सकते। वो अपने नियम पर अटल है और मैं अपने निर्णय पर, आज मैं उनसे मिलकर ही जाऊं। स्त्री का अपमान तो माँ के अपमान के समान है, पुरुष जन्म लेकर स्त्री के गोद में ही तो खेलता है, फिर एक ऐसी स्त्री को कोई दर्शन देने से कैसे मना कर सकता है, जिन्हें दर्शन देने में स्वयं प्रभु गिरधर गोपाल भी नहीं हिचकिचाते थे। मीरा तो अडिक थी, जो जीव गोस्वामी स्त्रियों की छाया से भी दूर रहते थे, तो भला उनके दर्शन मीरा को कैसे मिलने वाले थे? जीव गोस्वामी एक सत्य से आंखें मूंद बैठे थे, मीरा ने उन्हें वही सत्य याद दिला दिया। मीरा भाई जी, आदर से फिर कह रहा हूँ, गोस्वामी जी आपसे नहीं मिलेंगे, मत कीजिए और प्रतीक्षा। ये प्रतीक्षा नहीं, आस है। अपने गिरधर गोपाल तक पहुँचने का मार्ग है, साधु संतों की सेवा ही अपने गिरधर गोपाल के और पास आने का एकमात्र उपाय है। इसीलिए उनसे कहिए कि मुझे अपने दर्शन से वंचित कर अपने गिरधर गोपाल से दूर ना करें, कि मुझे अपने दर्शन से वंचित कर अपने गिरधर गोपाल से दूर ना करें। मुझे पूरा विश्वास, मेरा ये संदेश सुनकर प्रभु की इस भक्त को एक महान संत के दर्शन से वंचित नहीं रखेंगे। वो अभी ध्यान में है, हम बार बार उनका ध्यान भंग नहीं कर सकते मीरा बाई जी, पर हम जानते हैं हिमालय पर्वत भले ही अपने स्थान से हिल जाए, पर हमारे गुरुजी स्त्रियों से दूर ही रहेंगे। वृंदावन के इस आश्रम में आज तक किसी स्त्री का प्रवेश नहीं हुआ है, यहाँ बस पुरुषों को ही आने की अनुमति है। वृंदावन में तो केवल एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण। जितना मैंने जाना समझा, पूरे वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, मेरे गिरधर गोपाल। आज पता चला है कि यहाँ और भी पुरुष हैं, यदि यही उनका विश्वास है तो उन्हें मेरा आदर पूर्वक नमस्कार कहिए। रुकिए, हे महान भक्त, मैं आपके दर्शन सुख से वंचित नहीं रहना चाहता, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।
प्रणाम संत महाराज जी, आपके दर्शन पाकर मीरा धन्य हो गई। नहीं, धन्य तो मैं हुआ हूँ आपके दर्शन पाकर। आपने एक संत को इस सत्य से जो परिचित कराया कि वृंदावन में एक ही पूर्ण पुरुष है, प्रभु गिरधर गोपाल, और सभी तो बस उनके भक्त प्रेमी हैं। आपके ज्ञान से मैं कृतार्थ हुआ। नहीं संत गोस्वामी जी, ये मेरा ज्ञान नहीं, ये तो प्रभु प्रेम। जगत के पालनहार की इच्छा के विरुद्ध तो कुछ भी संभव नहीं। जो हुआ है वो इन्हीं की इच्छा से हुआ है, मैं तो केवल निमित्त भर हूं। आज से इस आश्रम के द्वार सभी भक्तों के लिए खुले रहेंगे, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। भक्त मीराबाई पधारिए। भक्त मीराबाई, आपके भजन की ख्याति तो दूर दूर तक फैली हुई है। यदि हमें आपके मुख से एक भी भजन सुनने का अवसर मिलता तो हम धन्य हो जाते। वृंदावन की कुंज गली में मेरे गिरधर गोपाल का वास है। पूरे वृंदावन में प्रभु भक्ति का भाव है। इस भाव में डूबू तो स्वर अपने आप ही निकल जाते। इसीलिए तो वृंदावन मुझे इतना प्रिय है। सुन ली जो बिनती मोरी, मैं शरण गहूं प्रभु तेरी। सुन ली जो बिनती मोरी, मैं शरण गही प्रभु तेरी। सुन ली जो बिनती
प्रभु, अब तो वृंदावन की नगरी भी भाग गई है मीरा को, लेने ना सही किंतु मिलने तो आ ही सकते हैं। यदि कोई और परीक्षा देनी बाकी है तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं। क्या हुआ रानी साहब, अब अचानक जाग क्यों गई? कुछ चाहिए आपको तो मुझे बताए, मैं लेकर आती हूँ। हाँ, मुझे मेरे गिरधर गोपाल चाहिए और कुछ नहीं। बोलो चंपा, क्या तुम इन्हें ला सकती हो? जहां देखूं तो इन्हीं की छवि नजर आती है। ये तो सब जगह है, फिर भी अपनी मीरा के सामने उससे मिलने नहीं आते। आप अपनी मीरा के प्रति इतने कठोर कैसे हो सकते हैं प्रभु? ये जानते हुए भी कि पल पल मीरा बस आप ही की राह तकती है, आप ही को पुकारती है, फिर भी आप नहीं सुनते तो जाइए। अब मीरा आपको अपना मुख नहीं दिखाएगी और ना ही आपकी ओर देखेगी। आप तो जानते हैं ना कि आपके दर्शन के बिना मीरा का जीवन पल पल सैकड़ों कांटों से बेंध कर जीने जैसा है। ये सुनकर तो आ जाइए अपनी मीरा का कष्ट दूर करने। मीरा बाई रानी साहब, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं आप? लगता है मेरे प्रभु ने मेरी सुन ली, वो अपनी मीरा को कष्ट में नहीं देख सकते। मुझे लगा मेरे गिरधर गोपाल बुला रहे थे मुझे। आपने सही कहा महान भक्त मीराबाई, प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने बुलाया है आपको। चंपा, ये सब क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो एक गोपी हूँ, गिरधर गोपाल की सेविका। क्या आप मुझे भूल गई माधवी? माधवी, पिछले जन्म का नाता है आपका अपने प्रभु गिरधर गोपाल से, मैं भी तो इसीलिए आपके साथ हूँ। अपना सुहाग का जोड़ा स्वीकार कीजिए। तुम ही आई थी ना विवाह का जोड़ा लेकर? मैं तो चित्तौड़ में ही तुम्हें देखकर समझ गई थी कि मैं तुम्हें जानती हूँ और मेरे प्रभु ने ही तुम्हें भेजा है। इस बात का आभास हुआ था मुझे। पिछली बार प्रभु के कहने पर मैं आपके लिए विवाह का जोड़ा लेकर आई थी और आज फिर आई हूँ, इस बार आपको आपके प्रभु से मिलवाने। तो फिर विलंब कैसा? मुझे मेरे गिरधर गोपाल के पास लेकर चलो। आइए।
कहां चली गई मीरा बाई साहब? मुझे मेरे किरदार गोपाल के दर्शन कहाँ मिल पाए थे? पर आज तो स्वयं प्रभु ने आपको बुलाया है, वो आज आपसे अवश्य मिलेंगे। भीतर नहीं चलेंगी? आज मेरी प्रतीक्षा समाप्त हुई, प्रभु ने मुझे अपने पास बुला ही लिया। देखिए मीराबाई, स्वयं राधा जी और ललिता सखी आए आपका स्वागत करने के लिए। आओ मेरा भाई। मीरा, देखो जिनके लिए तुम इतनी व्याकुल थी वो तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुम्हारे गिरधर गोपाल। चुप क्यों हो? जो भी मन में है बस कह दो। ये सच है कि
कोई सपना। हाँ मीरा, ये सच है, यही तुम्हारे गिरधर है तुम्हारे सामने। प्रणाम प्रभु। किंतु आप तो वृंदावन छोड़कर चले गए थे ना? जो यहां से गया था वो भी मैं ही हूं, और राधा के कृष्ण जो यहीं रह गए थे वो भी मैं ही हूं, दोनों रूप मेरे ही हैं। जो पूरे संसार को अपनी एक दृष्टि से देखते हैं, बस मेरा पर ही उनकी दृष्टि क्यों नहीं पड़ती? जो बस आपका साथ पाने के लिए कब से गुहार लगा रही है। वृंदावन क्या, आप तो संसार के कण कण में वास करते हैं, दिखते तो हर जगह है किंतु मिलते कहीं नहीं। मैं तो सब जगह वास करता हूं। मीरा के गिरधर भी मीरा के मन में ही वास करते हैं, पर मीरा तो यहां बस आपके चरणों में ही रहना चाहती है। मुझे यहां अपने साथ रख लीजिए। जब सारे संसार को पता चल गया है कि तुम्हारा तुम्हारे गिरधर गोपाल से कैसा नाता है, तो व्याकुल क्यों होती हो? तुमसे दूर तो मैं भी नहीं रहना चाहता, किंतु इस घोर कलयुग में धन धन और प्रभुत्व की रक्षा करने के लिए संसार में सच्चे भक्तों का रहना भी अनिवार्य है। ये तो ऐसे ही भक्त कर सकते हैं जिनकी अपने भगवान में पूरी निष्ठा हो, अटूट विश्वास हो। इसलिए अभी तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। तब प्रभु, आपकी ये मीरा अपनी अंतिम श्वास तक अपना कर्तव्य निभाएगी, मुझे आपकी प्रतीक्षा करना स्वीकार है, किंतु आपके कार्य से मुख मोड़ना नहीं। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, और जब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा, तुम्हें कोई मुझसे दूर करने का प्रयास करेगा, मैं वचन देता हूं, तब मैं स्वयं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तब तो आपकी मीरा धन्य हो जाएगी, और तब तक केवल दो ही कार्य करेगी, एक आपकी प्रतीक्षा और दूसरा आपकी भक्ति का प्रचार। आओ चंपा चले, यदि और यहां रुकी तो मन तो मेरा यही है, कहीं तन भी जाने से मना ना कर दे। मीरा भाई जी, इस बार मुझे भी अपने साथ ले चलिए, आप जैसे महान भक्त की सेवा करने का अवसर दीजिए। ललिता सखी, मेरी सेवा, ये आप क्या कह रही हैं? आपसे ही सुना है, साधु संतों की सेवा करने से प्रभु के और पास पहुंचते हैं, और जहां तक मुझे पता है आप एक महान साध्वी हैं, एक महान भक्त हैं, तो मुझे अनुमति दीजिए कि मैं प्रभु के और पास पहुंच सकूं। Thank you.
संकोच क्यों करती हो मीरा? तुमसे अधिक के कौन जानता है कि मैंने भी तुम्हें अपने हृदय में स्थान दिया है। तुम कोई भी चौकट पार करो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम कोई भी चौकट पार करो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रणाम रानी सा, आप कहाँ चली गई थी? हम सब चिंता में घुले जा रहे थे। और जब से आप गई है तब से चंपा भी दिखाई नहीं दी। चंपा तो मुझसे ज्यादा भाग्यशाली है, वो तो मेरे गिरधर गोपाल के पास पहुंच भी गई है, किंतु मुझे अभी भी थोड़ा इंतजार करना होगा। इनसे मिलिए, यह है ललिता सखी, प्रभु ने इन्हें मेरे साथ भेजा है, अब ये प्रभु कार्य में हमारी सहायता करेंगे। मधुर विधुर मिश्राह सृष्टिया संविधातुः, अर्थात धूप है तो छाव का महत्व है। विधाता की लीला है ही ऐसी, मीठा है तो कुछ कड़वा भी है, और मीराबाई जैसे भक्त कड़वे और मीठे दोनों को समान भाव से स्वीकार करते हैं। सुर रत्न कला श्रेष्ठ सुरों के बादशाह तानसेन जी, बादशाह सलामत पुकार रहे हैं आपको। जब से वृंदावन से लौटे हैं, आपका आपके दिलो दिमाग पे काबू नहीं। किस दिन में खोए हैं? माफ कीजिएगा बादशाह सलामत, कला में खो जाना ही एक कलाकार की फितरत होती है, और मैं भी किसी की कला में डूब गया हूं। अच्छा, तो जरा हम भी सुने, ऐसा कौन सा कलाकार है जिसकी कला ने संगीत सम्राट तानसेन जी पर इतना असर कर दिया? मीराबाई। ये नाम तो हमने कभी नहीं सुना। हमारे दरबार में उम्दा कलाकारों को ढूंढ कर लाने वालों ने भी कभी इस नाम का हमसे जिक्र नहीं किया। जहां पना वो कलाकार से कहीं कुछ अधिक है, उनके भक्ति के रस में जो डूब गया, वो केवल उनके संगीत का ही नहीं बल्कि उनके गिरधर गोपाल का भी हो जाता है। ऐसा क्या खास है उनके संगीत में? भक्त का संगीत सीधे उसके हृदय से निकलता है। जहां पना उनमें भक्ति और भगवान के लिए भक्त का प्रेम और विश्वास का रस मिला होता है, और यही तो सबसे खास है। जहां पना आप किसी की तारीफ करें और हम उसे ना सुने, ये तो हो नहीं सकता। हम भी मीराबाई के भजन को सुनना चाहेंगे। जहां पना वहां थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि वो सिर्फ गिरधर गोपाल के लिए ही गाती है, और ये भी एक भक्त की खासियत है। दुनियावी चीजों से ऊपर उठकर वो सिर्फ अपना रिश्ता भगवान से मानता है। पर अपने भगवान के लिए गाते हुए तो उन्हें सुनने की इजाजत है ना? हम वृंदावन जाएंगे, लेकिन बादशाह बन सकेंगे? जरा देखे तो सही, जिसकी गायकी से हमारे सुर सम्राट इतने प्रभावित हैं, उसकी गायकी में आखिर ऐसी क्या बात है? सूरज उगे या डूबे, दिन हो या रात, मीरा को तो बस एक ही धुन रहेगी, प्रभु भक्ति में पद लिख कर गाएगी।
लोगों के मन में भक्ति की लौ जलाएगी और अधर्म के अंधकार को मिटाएगी, अधर्म के अंधकार को मिटाएगी। ना प्रवचन, ना कथा, ना कहानी, ना संपत्ति, कुछ नहीं है मेरे पास बांटने के लिए। बस मेरे प्रभु गिरधर गोपाल की भक्ति ही है जो मैं आप सभी में बांट सकती हूँ। बादल चाहे चांद को कितना भी ढक ले, चंद्रमा की शीतल चांदनी की ठंडक तो सभी तक पहुंच ही जाती है। तो फिर संगीत सम्राट तानसेन जी का सुंदर संगीत सबसे कैसे छिप सकता है? जहां पना, मेरा भाई ने मुझे कैसे पहचान लिया? तुमने खुद अपना राज खोल दिया। मैंने आपको भी पहचान लिया और आपकी कला को भी। अब अपना गाना मत रोकिए, मेरे प्रभु गिरधर गोपाल की महिमा मेरे साथ उनका भजन गाकर अपनी कला को उनके चरणों में रखिए।
देखो आली मोहे लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको। कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को। के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर फीको। आली री मोहे लागे वृंदावन नीको, आली री मोहे लागे वृंदावन नीको, आली री मोहे लागे वृंदावन नीको, आली री मोहे लागे वृंदावन नीको। गिरधर भक्त मीराबाई की, गिरधर भक्त मीराबाई की, गिरधर भक्त मीराबाई की। नहीं नहीं तानसेन जी, मेरा नहीं, मेरे प्रभु गिरधर गोपाल का जयकारा लगाइए। गिरधर गोपाल की, गिरधर गोपाल की। जयकारे के योग्य तो आप ही हैं। आपके शब्दों में भक्ति का रस है और आपकी आवाज में प्रभु के प्रेम का रस का जादू भी तो है। और आप संगीत सम्राट तानसेन जी, जब आप गाते हैं तो लगता है जैसे सातों स्वर एक साथ नाच उठे हों। आपको अनेकों धन्यवाद कि आप यहाँ आए और हमें आपका स्वर सुनने का अवसर दिया। आपकी कला तो अद्भुत है, जैसे प्रभु ने स्वयं आपको सौंपी हो। बस इतना नहीं समझ पाई कि आपकी ईश्वर की देन आपकी कला को आप इनकी जगह, इनके मंदिर, इनकी भक्ति में समर्पित क्यों नहीं करते? किसी बादशाह की जागीर क्यों बनने दिया इसे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। बादशाह अकबर कला के बहुत बड़े प्रेमी हैं और पारखी भी हैं। जिन्होंने संसार रचा है उनसे अधिक परख इस संसार की और किसे हो सकती है? वो तो है मेरे गिरधर गोपाल, इस संसार के सबसे बड़े बादशाह। और इनका दरबार है ये मंदिर। मैं आपकी बात को समझता हूँ, लेकिन बादशाह अकबर बहुत नेक है। नेक होंगे मैं मान सकती हूँ, किंतु आपकी कला को उन्होंने अपने दरबार तक ही क्यों सीमित रखा? जबकि ये संसार पल भर में नष्ट हो सकता है। आज जो दरबार उनका है कल किसी और का हो सकता है, किंतु मेरे प्रभु का दरबार हमेशा था और रहेगा। किंतु मीराबाई, इसमें किंतु परंतु का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कलाश्रेष्ठ। गिरधर गोपाल के दरबार में अपनी कला को समर्पित कीजिए, अपनी कला को इनके दरबार की शोभा बनाइए, ना कि किसी बादशाह के दरबार। मीराबाई जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपकी भक्ति और आपके विचारों का आदर करता हूँ, किंतु मेरे बादशाह की बुराई उनके पीठ पीछे आपको ये शोभा नहीं देता। मैं कहाँ किसी के पीठ पीछे कुछ बोल रही हूँ।
शाहजी, इस हार का इस्तेमाल तो जनता की सेवा के लिए होना चाहिए ना। तानसेन को तो उनके संगीत, उनके स्वर से पहचान लिया उन्होंने, पर मुझे कैसे पहचाना? मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे भीतर भी कोई बसता है। मेरे प्रभु, मेरे गिरधर गोपाल मेरे भीतर बसते हैं, जिनकी आंखों से कुछ नहीं छिपता। आपके स्वर की मिठास, आपके भक्ति का भाव और आपके प्रेम को मैं जान सका और आपको सही मायनों में अब पहचाना है मैंने। आपके भीतर बसे ईश्वर को मेरा शत शत प्रणाम है मीरा जी। आपका सुर आपके भगवान से जुड़ा है, आपका भक्ति भाव भले ही मैं पूरी तरह से ना समझ सकूं, आपके शब्दों की गहराई मैं भले ही मैं पूरी तरह से ना उतर सकूं, लेकिन आपकी कला और आपकी आवाज मैं समझ सकता हूं। मैं हिंदुस्तान का बादशाह आपके इस भक्ति भाव और आपकी इस कला की जितनी तारीफ करूं कम है। उस समय के सबसे ऊंचे पदों पर बैठने वाले मीरा के सामने नतमस्तक थे। मीरा की भक्ति उस चरम पर पहुंच चुकी थी कि एक स्त्री होकर भी समय के बहाव के विरुद्ध जाकर मीरा ने समाज में अपनी गिरधर भक्ति से अपना स्थान बनाया। फिर भी समाज का एक भाग मीरा को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। समय बीतता गया, अब वो वृद्धावस्था की ओर बढ़ चुकी थी। जब आयु 55 वर्ष की हुई तो मीरा का तन भले ही वृद्ध हो गया था, पर उनका मन अभी भी भक्ति के उत्साह से भरा था और वो अभी भी प्रभु की प्रतीक्षा में पलकें बिछाई थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि जब तक मीरा की श्वास है तब तक मीरा की आस रहेगी कि उसके प्रभु उसे लेने अवश्य आएंगे। आप अपने आने का कोई तो संकेत दीजिए प्रभु। लगता है आपने मेरी सुन ली। आप ही हो ना द्वार पर। किधर? किधर गोपाल? आपके आने का आभास हुआ था मुझे, वो गलत कैसे हो सकता है? अब तो आ जाइए गिरधर, आज भी आपसे मिलने का उतना ही उत्साह है मन में, पर शरीर में शक्ति नहीं रही। पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे दर्शन देने अवश्य आएंगे। आपके गिरधर ने आपके लिए संदेश भेजा है। मैं आपके प्रभु का संदेश लेकर आई हूँ मीराबाई। मेरे प्रभु किधर गोपाल का संदेश? बैठो यहाँ और बताओ कि क्या संदेश लाई हो। बैठो। मेरे सामने प्रभु की अनन्य भक्त हैं। पहले मैं उनका आशीर्वाद तो ले लूं।
बड़े सौभाग्य से मुझे आपका दर्शन मिला है। नहीं चंपा, तुम तो मेरी सखी हो, पहले ये तो बताओ कि मेरे प्रभु का क्या संदेश लेकर आई हो। प्रभु ने आपको याद किया है और कहा है कि अब समय आ गया है द्वारका जाने का और प्रभु की प्रतीक्षा करने का। मुझे मेरे प्रभु ने बुलाया है तो मुझे अवश्य निकलना होगा। मैं अपने प्रभु को प्रतीक्षा नहीं करा सकती। मैं आ रही हूँ मेरे गिरधर गोपाल। किंतु मीराबाई सुनिए तो। अब सुनने का वक्त नहीं है चंपा, मैं मेरे प्रभु को और प्रतीक्षा नहीं करा सकती। मीराबाई, मीराबाई, मेरे प्रभु, मैं आ रही हूँ। पहले भी आ चुकी हूं, मुझे याद है यहां से थोड़ी दूर गोपी तालाब है जहां मैं गोपियों के साथ अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर रही थी। तो इस बार भी यहां थोड़ी देर रुककर प्रभु की प्रतीक्षा कर लीजिए ना। नहीं नहीं ललिता सखी, अब मेरे प्रभु का भवन यहाँ से अधिक दूर नहीं है, मुझे जाना होगा, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहाँ कहाँ जा रही हैं आप? मेरे प्रभु के भवन और कहाँ? वहाँ उनका कोई भवन नहीं है। है ललिता सखी, है, मुझे याद है मैं अपने पिछले जन्म में यहाँ आई थी। वहाँ भवन था किंतु वो 4,500 साल पहले समुद्र में समा गया। सच में यहाँ तो भवन नहीं है, पर मैंने जो देखा था मेरे प्रभु का भव्य भवन, वो समुद्र में कैसे समा गया? ये कैसे हो सकता है? प्रभु श्री कृष्ण की लीला तो बस वही जानते हैं मीराबाई। जब उनका भवन यहाँ रहा ही नहीं तो उन्होंने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आप चिंता मत कीजिए, उनका भवन ना सही किंतु द्वारिकाधीश का दरबार तो है। आइए, मैं आपको वहां लेकर चलती हूँ। अब चिंता मुझे नहीं, मेरे प्रभु को करनी होगी और प्रतीक्षा भी अब वही करेंगे। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है तो अब उन्हें
यही आकर मुझसे मिलना होगा, यही आकर मुझसे मिलना होगा। प्रभु चरणों में समर्पित कला और कलाकार स्वतः ही बहुमूल्य हो जाते हैं।